Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself कि आज हम लोग discussion करने जा रहे हैं note making में. Note making काफ़ी ज़्यादा scoring होता है, लेकिन students को ये तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो लोग maximum scores ला सकते हैं इस easy से topic से. तो उसकी जो tricks होंगी, आपको कैसे score करना है, कैसे अपने time को save करना है, कैसे आपको abbreviations का ध्यान रखते हुए पूरा note making को finish करना है within the stipulated time, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. लास्ट तक देखिएगा, ट्रस्ट मी गाइज, आपको मैं 2 से 3 बार तरीके समझा दूंगी तो आपके दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे. अगर अच्छा लगेगा सेशन तो आपको पता है क्या करना है. प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, लाइक करिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको ऐसे यूजफुल वीडियोज मिलती रहें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. यहाँ पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट मेकिंग के ऊपर. अब आपको जैसे पता ही है कि नोट मेकिंग का रोल आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है. इसको लिखना ज़रूरी है, और कितने समय में लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे एब्रीविएशन के बारे में सोचना है, और समरी में क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है. एंड शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से जो है आप अपना समय बचा सकते हो नोट मेकिंग में. क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं नोट मेकिंग के चक्कर में, और वहीं पे ये टाइम को वो यूटिलाइज कर सकते हैं लिटरेचर का क्वेश्चन लिखने में, या फिर आर्टिकल या स्पीच लिखने में. तो यहाँ पर इस सेशन में मैं आपको यही समझाऊंगी कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाते हुए एब्रीविएशन के बारे में कैसे सोचना है, ठीक है. तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है. एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो. तो यहाँ पर नोट मेकिंग है. जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में नोट मेकिंग आया, काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि यार ये 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, इन छोटे से 2 पैराग्राफ्स में पॉइंट कैसे निकाला जाए. भाई सब सेक्शन हमें बनाने हैं, हमें हेडिंग भी लिखनी है, लेकिन लिखे कैसे. तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इन पैराग्राफ्स को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो. कैसे डिवाइड करना है, आप देखो पैसेज जब भी लिखा होता है ना, कोई भी राइटर होता है, कुछ भी लिखता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखता है, क्या वो एक ही टोन में लिखता है. मुझे एक बात बताना, सोच जरा, मतलब शुरुआत से किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है तो क्या उसके बारे में कंक्लूजन नहीं बताता है, बताता है ना. तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, आपको ठीक उस तरह से पढ़ना है जहाँ पर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आगे से जहाँ से आप पढ़ना चालू करते हैं उससे थोड़ी सी अलग लग रही है, आप उसको दूसरा पैराग्राफ बना देंगे. समझ आया, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैंने क्या कहा है. अगर आपके सामने पैराग्राफ्स सिर्फ 2 दिखते हैं आपको, लेकिन बनाने तो हेडिंग्स 4 से 5 है मिनिमम, है ना, तो उसमें भी आपको सब सेक्शन बनाने हैं, सब हेडिंग्स लिखनी है. तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इन पैराग्राफ्स को मान लीजिए यहाँ से आपने रीड करा इधर से, तो आप यहाँ तक अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, आपने इसको एक पैरा बना दिया, इसको दूसरा पैराग्राफ बना दिया, इसको तीसरा पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, फुल स्टॉप तक बनाइएगा, तभी मैं देखिए ना फुल स्टॉप ढूंढ रही हूँ, यहाँ तक है, और इसको फोर्थ बना दिया. इस तरह से आप काम करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे, गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी. चलिए अब इसका लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से रीड करना है और कैसे आंसर करना है. ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, अब देखो 50 साल लिखा है, ठीक है, ईयर्स को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ईयर्स, यार ये तो मिल गया हमको एब्रीविएशन, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं. तो सोचो ना, बस ऐसे ही सोचना है. और भाई मैं उन स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि पहले हम हेडिंग्स लिख लें, सब हेडिंग्स लिख लें, लेकिन फिर ध्यान में आता है कि अरे एब्रीविएशन नहीं लिखा, फिर वो काट के लिखते हैं, ये मत करना. आपको पता है एब्रीविएशन लिखना है तो पहले से ही क्यों नहीं लिख सकते, हम दिमाग में रख सकते हो ना कि ये मुझे लिखना है. और आप एक काम करेंगे, जब भी आप जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लिख कर दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपना कोई बनाकर लिखा, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए बिगिनिंग लिखा. अब जैसे ये पॉइंट मैंने बिगिनिंग लिखा यहाँ पर, तो मुझे पता है इसकी जो हेडिंग होगी, सब हेडिंग वो मैं इस तरह से लिखूँ, ये आपके ऊपर है, आप इस तरह से लिखते हो. सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा. अब जैसे मान लो यहाँ पर मुझे लिखना था चिल्ड्रन रिलाई ऑन, तो मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन रिलाई ऑन रुपीज, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा मैंने. अब आपको ध्यान आया कि अरे यार ये तो रुपीज़ को आप आरएस भी तो लिख सकते थे, तो आप अब यहाँ क्या करोगे, एग्जाम के टाइम पे ऐसे कट करोगे, ये मत करना, ठीक है.
तो आप क्या करेंगे, जब आप रुपीज लिख रहे होंगे तो आप पहले से ही एक बॉक्स बना के रख लेंगे अपने कॉपी में अलग से, ठीक है? या तो आप पेपर में अलाउड नहीं होता लिखना वैसे, तो एक काम करिएगा, आप कॉर्नर में ही पेंसिल से लिख देना कि आपको पता है कि रुपीज को रुपीज लिखना है। तो काफी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते तो उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि कितने पॉइंट्स कवर करेंगी लाइंस को और उनको की टू एब्रीविएशन किधर बनाना है, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे लिखा होगा तो रुपीज, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मुझे पता है यार कि रुपीज को कैसे लिखना है, रुपी। अभी समझ आया ये मैंने कहा यहाँ पे? अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको लिखना था बॉटल एंड, तो ये जो एंड है आप ऐसे यहाँ पे लिख दोगे, मतलब ऐसे ऐसे करके लिखते जाएंगे तो आपका समय बचेगा, दूसरा आपका एब्रीविएशन के जो मार्क्स जा सकते थे वो अब नहीं जाएंगे, गलती नहीं होगी, कट नहीं होगा। बस इतना आपको इंश्योर करना है कि आप जहाँ पे बॉक्स बनाएंगे वहाँ पे हेडिंग नहीं बगल में होनी चाहिए, वरना बहुत खराब लगेगा देखने में, ठीक है? तो एक काम करना, जब आपका पेज होता है, ऐसे कॉपीज होती है ना, तो ऐसे करके जहाँ पे इस तरह से पेज हो वहीं से स्टार्ट करना, बोर्ड में कॉपी का कोई टेंशन नहीं होता है, तो ऐसे में काम करना इधर से स्टार्ट करना। तो इधर यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे एक पेज में, और इसी के बगल में इस पेज में यहाँ पे हेडिंग डाल देना, और यहाँ पे आप इसके लिए समरी की जगह छोड़ देना। आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ और चीज़ क्लियर हो रही है आपको, ठीक है? तो या वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ओवर द लास्ट 50 ईयर्स मिलियंस ऑफ रुपीज हैव अनडाउटली बीन स्पेंट ऑन चाइल्ड केयर इन दिस कंट्री। बहुत सालों से पैसे खर्च किए जा रहे हैं चाइल्ड केयर के लिए, येट इट इज़ नॉट सब सहारन अफ्रीका दैट इज़ द होम ऑफ मैलनरिश्ड child, but India, where according to UNICEF statistics 53% of all the children are malnutritioned. दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये देखो टॉपिक चल क्या रहा है भाई, अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जिसने ये पैसेज को लिखा है उसने क्या करा, शुरुआत में बताया कि इतने सालों से पैसे खर्च करे जा रहे हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चों का केयर करा जाए, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, खाना पीना टाइम पे दिया जाए, ठीक है? वहीं पे आगे ये पॉइंट कह रहा है लेकिन फिर भी जो है यूनिसेफ ने बताया कि 53% लोग मैलन्यूरिज्ड है, रीजन क्या क्या है? तो आप देख रहे हो एक पैटर्न चल रहा है, मतलब पहले उन्होंने बताया कि पैसे खर्च हो रहे हैं चाइल्ड केयर पे, लेकिन असलियत क्या हो रही है, चाइल्ड केयर पे पैसे खर्च ही नहीं हो रहे हैं, बच्चे जो है 53% जो बच्चा है वो मैलन्यूरिज्ड है, वो रीजन क्या क्या है? तो ये मुझे स्ट्राइक तुरंत करना चाहिए पढ़ते हुए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको रीड करते करते आपकी हेडिंग मिल चुकी है और सब हेडिंग के पॉइंट्स भी मुझे मिलते जा रहे हैं। ये लाइन शुरुआत कर रही है, ये लाइन उसको बता रही है, फिर ये लाइन उसके रीजंस दे रही है, ठीक है? तो यहां पर आप हेडिंग क्या डाल सकते हैं इसके लिए, मैलन्यूट्रिशन, क्योंकि मैलन्यूट्रिशन के बारे में तो बात हो रहा है, तो हेडिंग आप एक शब्द की नहीं डालोगे, चाहे कि इसका हेडिंग क्या हो सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द रीजन फॉर मैलन्यूट्रिशन अमंग सर्टेन चिल्ड्रन आर नॉट फार टू सीक, इट इज अ मल्टी सेक्शनल मल्टी लेवल प्रॉब्लम जो इन्वॉल्व करता है नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटीज बट ऑल्सो द इनएडिक्वेसी इन चाइल्ड केयर। अब रीजन्स क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर रीजन को अलग से भी मैंशन कर सकते हो, या फिर जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे होगा आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ ईजी एक्सेस टू हेल्दी फैसिलिटीज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप खुद सोचो, ये जो लाइन यहाँ से चालू हुई है जो कि यहाँ लिखा हुआ ना कि इट इज़ मल्टी सेक्शनल कि मल्टी लेवल का प्रॉब्लम है जो कि अवेलेबिलिटीज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है बट इनएडिक्वेसी जो चाइल्ड केयर कर रही है उसके ऊपर करता है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज, साफ पानी मिलना, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, ये सब नहीं मिल रहा है। अब आपने यहाँ पे ये रीड करा, ये जो पॉइंट मुझे दिख रहा है ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, कि ये अलग पॉइंट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो इमेज देख सकते हैं तो हम उस तरह से लिख सकते हैं, नीदर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल न्यूट्रिशनल काउंसिलिंग 1994 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम नॉर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च इन 1975 टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर द 6 ईयर्स ऑफ एज हैव मेड एनी विजिबल और वोकल डिफरेंसेस। भाई यहाँ पे साफ साफ बोला गया इस पॉइंट में हमको कि ये तो चाहे हम नेशनल काउंसिल की बात करी जाए, चाहे आप बात कर लो इस सोसाइटी की जो स्कीम डेवलप करा गया था, इन्होंने प्रमोट करा ही नहीं ना बच्चों के डेवलपमेंट को। तो आप देख सकते हो कि 53% जो बच्चा मैलन्यूरिस्ट है वो क्यों हुआ है ना? तो यहाँ से हमको एक पॉइंट मिला। अब आप खुद सोचो यार, 1994 लिखा है, 1975 लिखा है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं, राइट? तो इनको आप मेंशन नहीं करोगे, खुद सोचो, ये अलग पॉइंट का हिस्सा बन गया ना। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये पैराग्राफ से लेकर हम इस पैराग्राफ तक
एक पैराग्राफ मान सकते हैं, इधर से ना बात अलग बनेंगे। यहाँ पे अब वो जो राइटर है वो ये कह रहा है कि भाई इतने स्कीम आ चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र नहीं आई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हेडिंग क्या, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉन्चिंग स्कीम्स एंड लिटरेसी, करी तो गई लेकिन कोशिश नहीं करा गया उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ दोज जो केयर करते हैं वो फेल हो गए। किस तरह से, क्योंकि स्कीम जो है तरीके से तो अप्लाई करी नहीं गई है और इसका इम्पैक्ट बच्चों पे उस प्रकार से नहीं पड़ रहा है, और ये बहुत ही दुखी वाली बात है। ऑन पेपर वी हैव प्लेंटी ऑफ पॉलिसीज, भाई पेपर में आप देखोगे ना इतना सब कुछ पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे क्या हो रहा है, रियलिटी तो कुछ और ही है। तो नीड ऑफ द आर क्या है कि हम ट्रांसलेट करें ये जो एक्टिविटीज है उसको किस पे, यस एक्शन पे। तो यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट यहाँ से निकाल सकते थे कि नीड ऑफ आर क्या है कि हम ट्रांसलेट करें और एक्शन ले इसके लिए, जिससे कि हमें रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, और नीड ऑफ द आर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, हाँ आर्टिकल में, अगर आर्टिकल आ गया या फिर इनफैक्ट ये ईडियम होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेटर टू द एडिटर में कर सकते हो उसका इस्तेमाल, कि भाई ज़रूरी है कि जो एडिटर हैं या जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द एक्शन ले, तो इसमें कर सकते हो। रिपोर्ट स्पीच में लिख सकते हो कि नीड ऑफ द आर ये था, ऐसा ऐसा हुआ। इनफैक्ट आर्टिकल में भी लिख सकते हो अगर रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जरा आप ध्यान से देखा करें तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी सीखने को। तो इसके बाद हमें दो पैराग्राफ्स तो मिल ही गए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। द मोस्ट अर्जेंट एरियाज ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट एक्शंस आर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई कौन से एरिया ऑफ है अटेंशन। ये थर्ड वाला जो पॉइंट था ये हमें ये बता रहा था कि हमें एक्शन लेना है। अब फोर्थ जो आप सेक्शन बनाएंगे, जो मेन हेडिंग लिखेंगे वो क्या होगा, एरियाज ऑफ एक्शन। ये पूरी लाइन क्या दर्शा रहा है, एरियाज ऑफ एक्शन। मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ था एरियाज ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट एक्शन, मैंने क्या करा, एरिया ऑफ एक्शन लिख दिया। छोटा सा बनाना होता है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी लाइन लिखेंगे। उसके बाद कौन कौन से एरिया ऑफ अटेंशन या होना चाहिए जिस पे हमें फोकस करना है, तो उसके ऑप्शंस आपके सामने है, लिख देना कि भाई हमें न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब पे ध्यान देना है। ये कैसे हो सकता है, वो सब कुछ हम पढ़ के लिखते हैं आगे। सिंस द कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन आर मेनी, लाइक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, बायस अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड, वीक एंड सफरिंग मदर्स, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एब्रीविएशन में। तो सोचते सोचते आपको करना ये काम, मतलब रीड कर रहे हो, इन दैट केस यू विल रीड एंड देन आपको अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, फिर आखिरी में देख सकते हो कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वेरियस स्कीम का, फाइट करना न्यूट्रिशन से, मैल न्यूट्रिशन से और अंडर न्यूट्रिशन से या अंडर नरिश से, इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, प्लानिंग। तो प्लानिंग आप शॉर्ट में PLANG भी लिख सकते हो, प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया ऑफ हाई पावर बॉडीज राइट डाउन टू द विलेज लेवल, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे आपको इसलिए लिख कर नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना है मुझे। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको एक शॉर्ट में दिखा दिया कि किस तरह से आप पैसेज में देखोगे, कैसे आपको उसको ब्रेक करना है। दूसरा, आपको मेन मेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिखने हैं। आप पैसेज पढ़ रहे हो, नोट्स भी तो वैसे ही बनाओगे। जैसे जैसे पैसेज बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट से चालू हुआ था, एक बात से चालू हुआ था चाइल्ड केयर से, आज इन्होंने इसमें क्या बता दिया कि यार स्कीम ऐसे ऐसे लागू हुई थी लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ज़रूरी है एक्शन लेना। मतलब एक छोटा सा पॉइंट से शुरुआत हुआ था, तो आपका भी ठीक उस तरह से फ्लो चार्ट बनना चाहिए आपके जितने भी आप हेडिंग्स बनाएं। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मेरे को समरी लिखने को होगा, है ना, जब आपको समरी लिखना को दिया जाएगा, क्योंकि समरी भी आती है इस क्वेश्चन में, तो आपने हेडिंग बना ली, सब हेडिंग बना ली, एब्रीविएशन साथ में बना लेना। मैंने तभी बोला था एक एक करके लिखना, ओके, तो आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा। अब बात आती है समरी की, तो समरी कैसे लिखे, मेरी बात ध्यान से सुनना, समरी नहीं लिखोगे अभी। आप जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ये मत सोचिए कि सारा क्वेश्चन पेपर एक झटके में करते हुए जाएंगे, आखिरी में समय नहीं बचेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप समरी के लिए जगह छोड़ देंगे, और जगह नहीं छोड़ी तो फिर आपका लॉस है। मेरी बात फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, जहाँ पे एब्रीविएशन का बॉक्स बनाओगे उस पेज के बगल में आप समरी की जगह छोड़ देंगे,
आप समरी उस समय नहीं लिखोगे। रीजन क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना बहुत समय वेस्ट कर देता है सोचने के लिए कि यार मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, कितना मार्क्स मिल जाएगा यार। आपका पूरा पेपर रह चुका है पीछे, आपको लिटरेचर कवर करना है, आपको ग्रामर देखना है, पूरा लिखना है, आपको राइटिंग स्किल्स करनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। आपको क्या करना है मैं फिर से कह दूँ, आपको जब कॉपी मिलती है तो प्लीज़ मेक श्योर इस तरह से आंसर्स करना कि आपका सेकेंड और थर्ड पेज सामने सामने रहे। अगर आगे पीछे भी हो जाता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सारे नोट्स लिख देना, हेडिंग नहीं जिसने लिखी ना गया वो, तो हेडिंग लिख देना भैया, मार्क्स मिलता है उसका। तो नोट्स आपने ऐसे ऐसे पूरे बना दिए, नेक्स्ट पेज में एब्रीविएशन कर दिया और इसी के साथ नीचे जगह छोड़ी समरी के लिए, ये जगह छोड़ दोगे, इसको आंसर करने का नीड नहीं अभी। अब आप क्वेश्चन पेपर अपना आगे कंटिन्यू करोगे, समय देखोगे कि कितना रह गया है, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा पेपर खत्म होने वाला है तो मैं जल्दी से यहाँ पर आकर समरी लिख दूँ। क्लियर है सबको? अब समरी लिखना कैसे है, जितने नोट्स बनाए थे जो लिखा था छोटा छोटा करके, बस उसको एंड लगा के और लगा के थोड़ा सा एक दो लाइन एक्स्ट्रा में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना, इधर से उधर देख कर लिख देना, बाकी ये पूरे नोट्स एज इट इज बस थोड़ा बहुत एडिशन करके लिख देना। क्लियर हुआ क्या करना है? आपको जब समरी लिखनी होगी, जब आखिरी में 10-15 मिनट रह जाएंगे तो समरी देख लेना कि आपको लिखनी है। समरी में कोई भी 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई खर्च नहीं करेगा। नोट्स के जब आपको समरी बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो जितने नोट्स लिखे हैं इसी का यूज़ यहाँ पे करोगे, एंड लगा देना, ऑल लगा देना, इफ बट जो भी कर ऐड करके लिख देना। इसके अलावा एक दो पॉइंट यहाँ से ले लेना, क्योंकि छोटा सा बनाया है ना आपने, तो आपने नोट्स बहुत छोटे छोटे लिखे हैं तो समरी इतना छोटा भी नहीं होता है, ठीक है, समरी के वर्ड्स लिमिट होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस वर्ड मिल को पूरा करने के लिए यहाँ यहाँ से वर्ड्स उठा लेना, कुछ नए नए वर्ड्स अपने आप डाल देना। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स द नीड ऑफ आर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, ये नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। अब ये जो स्कीम है ये नहीं लिखोगे क्या, समरी किसी को बता रहे हो कि यार ऐसा ऐसा हुआ, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन गवर्नमेंट प्लानिंग देखो ना कितने साल से करी लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है क्या लाइन, ये लिखोगे। अब यहाँ पे शब्द है होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको नहीं लिखोगे क्या समरी में, क्या इसको आप नोट्स में नहीं लिखोगे, लिखोगे। 6 ईयर ऑफ एज, यहाँ पे आपको अब्रीविएशन एक मिल गया एक और, 6 ईयर ऑफ एज, तो ये भी लिखोगे। तो अब मेरी बात समझ रहे हैं कि हम अपना पेपर स्मार्टली करेंगे, जो समय हम यहाँ पे समरी में 6-7 मिनट देंगे हम देंगे ही नहीं। क्लियर? ओके, तो इस तरह से करना, यूनिसेफ का नाम मेंशन कर देना, एमए नहीं दिया क्या, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट समझ आता होगा ना खुद से कि हाँ ये चीज़ मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में ये जो लाइन है प्लानिंग कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग, ये नहीं लिखेंगे क्या हम समरी में, ये लिखेंगे तो ऐसे जोड़ जोड़ के मेरे 80 वर्ड्स तो हो गए ना पूरे। तो बस इस तरह से आपको लिखना है एक पूरा ओवरऑल, मैं आपको कुछ शब्दों में समझा दूँ। आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग का, आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कितने पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स को रीड करते करते आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 4-5 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना दोगे, उसी में से मेन पैराग्राफ की हेडिंग लिखोगे, सब पॉइंट्स उसी छोटे छोटे पैराग्राफ्स के बना बना के अलग अलग करेंगे। दूसरी चीज, जब आप पैराग्राफ से नोट्स लिख रहे होंगे तो आपको एक काम ध्यान में रखना है कि आप नोट्स में फुल जो एब्रीविएशन है उसको लिखते हुए जाएं, रुपीस को इस तरह से लिख कर काटना नहीं, आप पहले ही रुपीज ऐसे लिखेंगे और एब्रीविएशन के बॉक्स में रुपीस के साइन से रुपी लिख देंगे। ये काम साथ साथ चलता रहेगा तो आपका समय जो एक्स्ट्रा लगेगा ढूंढ ढूंढ के करने का वो नहीं जाएगा। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेना जो तरीका मैंने समझाया है, एंड ट्रस्ट मी समय बहुत बचेगा। और ये नीड ऑफ द आर हो गया, ठीक है, ये जो वर्ड है नोटोरिटी इसको देख लेना, ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको आर्टिकल में बहुत मदद करने वाले हैं। अभी एक और वीडियो ज़रूर से ज़रूर मैं अपलोड करूँगी कि आर्टिकल में क्या क्या लिखना है, लेटर में क्या क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि एग्जामिनर जो है एप्लीकेशन को देखकर, लेटर को देखकर, आर्टिकल को देखकर आपको अच्छे नंबर्स दे दे, एंड वो क्या जो लिखनी ज़रूरी है वो अभी मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, सो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं सेशन, थैंक यू, टेक केयर।